हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नगेंद्र थालोर आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे विटामिन डी के बारे में। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं कि विटामिन डी की क्या डोज होनी चाहिए, कितनी डोज लेनी है, कब तक लेनी है, इसकी ओवर डोज कब हो जाती है और उसको कैसे मैनेज करें, ये सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो आपके शरीर में हार्मोन की तरह काम करता है, और विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं क्योंकि ये सनलाइट में आपकी बॉडी, आपकी स्किन इसको बना सकती है। विटामिन डी की कमी एक कॉमन समस्या है और ये बच्चों में, बड़ों में, सभी में इसकी कमी पाई जाती है, और ये इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड वाइड में इसकी कमी है। विटामिन डी की कमी का मतलब होता है आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी नहीं है, जिसके कारण आपके शरीर पे बहुत से सिम्टम आते हैं, आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपके शरीर में 90% यानी 90% विटामिन डी सनलाइट से बन जाती है, सिर्फ 10% विटामिन डी आप खाने से लेते हैं, अपनी डाइट से लेते हैं। विटामिन डी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, ये आपके शरीर में क्या करता है? विटामिन डी का मेन काम होता है खाने में, आप जो भी खाना खाते हैं उसमें जितना भी कैल्शियम फास्फोरस होता है वो इंटेस्टाइन से उसको एब्जॉर्ब करके उसको ब्लड में उसके लेवल को बढ़ाता है, और फिर वो शरीर में अलग अलग जगहों पे बोन में उसको लेके जाता है और बोन को वो स्ट्रांग बनाता है, बोन का मिनरलाइजेशन करता है जिससे आपकी बोन हेल्दी और स्ट्रांग रहती है। इसके साथ साथ में विटामिन डी आपकी किडनी में जो भी कैल्शियम फास्फोरस जाता है उसको रिजॉर्ब करता है और उसको वीरियन में बाहर नहीं निकलने देता है, ताकि आपके शरीर में कैल्शियम का लेवल मेंटेन रहे। बोन को हेल्दी और स्ट्रांग बनाने के साथ साथ में ये आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखता है, आपकी इम्यूनिटी को बनाए रखता है ताकि आपको बार बार इन्फेक्शन नहीं हो। यदि आपके शरीर में पर्याप्त विटामिन डी है तो ये बहुत सारे कैंसर से, जैसे ब्रेस्ट है, प्रोस्टेट है, कोलन कैंसर है, इन कैंसर से भी आपको बचाता है, इसलिए विटामिन डी आपके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट ये देखते हैं विटामिन डी की कमी के कारण आपके शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, आपको क्या क्या बदलाव दिखाई देंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट लक्षण है वो आपके बोन पेन रहेगा, जॉइंट पेन रहेगा, मसल में पेन रहेगा, मसल में क्रेम्स आ सकते हैं बार बार, और आपका जो, यदि कहीं आप गिर जाते हैं और बहुत इजीली आपको फ्रैक्चर भी हो सकता है। यदि विटामिन डी आपका शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो जो बोन की ग्रोथ रहती है बच्चों में, तो वो ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी और आपकी बोन एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, जिसको रिकेट्स बोलते हैं। और यदि एडल्ट्स में कमी रहती है तो जो बोन रहती है वो सॉफ्ट हो जाती है एकदम, जिसको ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं, और आपके बोन है वो कमजोर होती जाएंगी, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो जो भी जैसे एडल्ट पेशेंट हैं वो जैसे ही चलते हैं या कहीं गिर जाते हैं कई बार, तो उसमें बहुत जल्दी इजीली फ्रैक्चर हो जाता है। तो यदि ऐसा होता है तो आप सोच सकते हैं कि उनमें विटामिन डी की कमी चल रही है। दूसरा सिम्टम रहता है इसका फैटिग एंड टायर्डनेस, यानी आप बहुत जल्दी थक जाते हैं। आप कुछ भी काम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, उसके बाद में नॉर्मल पर्सन की बजाय आप बहुत जल्दी थकान महसूस करने लग जाते हैं। तीसरा सिम्टम रहता है आपको पूरे टाइम हेडेक रहेगा, प्रॉपर नींद नहीं आएगी, डिप्रेशन रहेगा, एंजाइटी रहेगा, तो इस तरह के भी जो सिम्टम रहते हैं वो विटामिन डी की कमी से हो सकते हैं। अगला जो लक्षण है उसमें आपके हेयर फॉल हो सकते हैं, आपकी स्किन पूरी ड्राई ड्राई हो सकती है, तो इसके बाद में आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, इसलिए आपको बार बार इन्फेक्शन होंगे, आपको कॉमन कोल्ड है, कफ है, सर्दी जुकाम लगना, या फिर जैसे निमोनिया बनना, टीबी की दिक्कत होना, या बार बार जैसे कोविड इन्फेक्शन होना, ये सब आपको होने लग जाते हैं यदि आपकी विटामिन डी की कमी है। तो आपको शरीर में पसीना भी बहुत आएगा, आप थोड़ा सा काम करते हैं या बैठे रहते हैं तो भी आपको पसीना आता है। यदि एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है तो आप सोच सकते हैं कि विटामिन डी कम हो सकता है। इसके साथ साथ यदि आपके शरीर पे कहीं पे वुंड हो गया, कोई घाव है, तो वो जल्दी आपका भरेगा नहीं घाव, तो ऐसा देखते हैं डायबिटीज में, जो जिन लोगों को डायबिटीज रहता है उनका घाव इजिली नहीं भरता, लेकिन जिनको डायबिटीज नहीं है फिर भी घाव नहीं भर रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि विटामिन डी कम चल रहा है। तो ये विटामिन डी डिफिशियंसी के कुछ लक्षण रहते हैं, यदि इनमें से कुछ भी आपको रहता है तो आप अपना विटामिन डी चेक करवा सकते हैं। अब ये जानते हैं कि विटामिन डी की कमी के क्या क्या कारण होते हैं। जो सबसे कॉमन कारण रहता है, पहला एक ये है कि आपको पर्याप्त मात्रा में आपकी डाइट में विटामिन डी नहीं मिल रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो वेजिटेरियंस रहते हैं, वेजिटेरियन डाइट में विटामिन डी बहुत कम रहता है, इसलिए जो भी आप डाइट लेते हैं तो उसमें विटामिन डी कम रहता है। जो लोग जैसे फिश नहीं लेते हैं, एग योक नहीं लेते हैं, मीट नहीं लेते हैं, कोड लीवर ऑयल नहीं लेते हैं, तो इस तरह की जो चीजें नहीं लेते हैं उन लोगों में विटामिन डी की कमी
हो सकती है। दूसरा कारण रहता है सनलाइट में प्रॉपर एक्सपोजर नहीं होना। जो लोग ज्यादातर इंडोर वर्क्स करते हैं या जो इनका धूप में निकलना बहुत कम होता है, उन लोगों को विटामिन डी की कमी हो सकती है। तीसरा कारण हो सकता है स्किन पिगमेंटेशन, यानी जिन लोगों के स्किन डार्क कलर की रहती है उनमें एक मेलानिन पिगमेंट रहता है। मेलानिन पिगमेंट जो स्किन को कलर को देता है, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनसे ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो जिन लोगों के शरीर में मेलानिन पिगमेंट ज्यादा होता है वो सनलाइट से ज्यादा विटामिन डी नहीं बना पाते हैं। चौथा कारण होता है ओबेसिटी या मोटापा। जो लोग ओवरवेट वाले रहते हैं, जिनका BMI 30 से ज्यादा चलता है, उन लोगों में भी विटामिन डी की कमी देखी गई है। कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन होती हैं जिन कंडीशन में विटामिन डी आपके जो इंटेस्टाइन से प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और आपकी बॉडी में इसकी कमी हो जाती है। जैसे GI की प्रॉब्लम रहती हैं, जिनको क्रोन्स डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम है, या फिर जैसे शॉर्ट बाउल सिंड्रोम है, जिनका गट का ऑपरेशन हुआ है, गट बाईपास किया गया है, या जिसको सीलियाक डिजीज है, कुछ माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, पेनक्रियाटिक इनसफिशियंसी है, ये कुछ मेडिकल कंडीशन रहती हैं जिनमें विटामिन डी की कमी हो जाती है। नेक्स्ट कारण रहता है यदि आपका जो लीवर है और किडनी है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं, उनमें कुछ दिक्कत रहती है, तो उसके कारण भी विटामिन डी की कमी हो जाती है। क्योंकि जो बॉडी में आप विटामिन डी एब्जॉर्ब करते हो वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, और उसको एक्टिव फॉर्म में चेंज करने के लिए आपके लीवर और किडनी दोनों की जरूरत पड़ती है। दोनों में कुछ चेंजेज होते हैं विटामिन डी में, जब भी जाके वो एक्टिव फॉर्म में आता है और आपकी बॉडी में प्रॉपर वर्क कर पाता है। नेक्स्ट जो कारण रहता है वो कुछ मेडिसिन्स रहती हैं, जो मेडिसिन आपके विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म को या कैटाबॉलिज्म को उसको बढ़ा देती हैं, तो उसके कारण उस विटामिन डी का लेवल शरीर में कम हो जाता है। ये जैसे एंटी कन्वलजेंट मेडिसिन रहती हैं, जैसे फेनिटोइन है या रिफामपिसिन है, स्टीरोइड है, डेक्सामेथासोन है, इस तरह की मेडिसिन रहती हैं जो आपके विटामिन डी लेवल को कम करती हैं। तो विटामिन डी की कमी कुछ लोगों में ज्यादा रहती है जो हाई रिस्क में आते हैं, जिनमें एक एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट्स रहते हैं, बच्चे जिनको माँ का दूध पिलाया जाता है, या फिर ओल्ड एज वाले रहते हैं, डार्क स्किन वाले लोग रहते हैं, या जिनके स्किन पिगमेंटेशन ज्यादा है। कुछ वर्कर्स रहते हैं जो सिर्फ इंडोर वर्क ही करते हैं, या फिर आपकी कुछ हैबिट्स रहती हैं, जैसे आप हमेशा फुल स्लीव रहते हैं, अपने आप को पूरा कवर करके रखते हो, तो भी विटामिन डी की कमी हो जाती है। प्योर वेजिटेरियंस रहते हैं जो कभी भी नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो उनमें विटामिन डी की कमी हो जाती है। मोटे लोग रहते हैं, ओबीज रहते हैं, उनमें विटामिन डी की कमी रहती है। किडनी डिजीज है, लीवर डिजीज है, क्रोनिक किडनी डिजीज CKD जिसको बोलते हैं, उन लोगों में विटामिन डी की कमी हो जाती है। या जो लोग जो इन हॉस्पिटल रहते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, इमोबिलाइज रहते हैं, तो चल फिर नहीं सकते हैं, क्रोनिक बेड रिडन पेशेंट रहते हैं, ऐसे लोगों में विटामिन डी की कमी हो जाती है। माल एब्जॉर्प्शन की दिक्कत हो, यानी इंटेस्टाइन उसका प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा हो, या कुछ जो मेडिसिन लेते हैं जो विटामिन डी की लेवल को कम कर सकती हैं। तो इस तरह के जो भी लोग हैं उनको अपना विटामिन डी जरूर चेक करवाना चाहिए। विटामिन डी डिफिशियंसी को डायग्नोज करने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है, और ब्लड टेस्ट में आपका 25 हाइड्रो ऑक्सी विटामिन डी, यानी 25 हाइड्रो ऑक्सी विटामिन डी को टेस्ट किया जाता है, और इसका लेवल कितना आता है उस हिसाब से आपका लेवल सफिशियंट है या आप डिफिशियंस है वो तय किया जाता है। विटामिन डी की जो कट ऑफ वैल्यू है वो अलग अलग गाइडलाइंस के हिसाब से अलग अलग तय की हुई है। विटामिन डी की जो टेस्ट करते हैं उसकी दो तरह की यूनिट रहती हैं, एक नैनोग्राम पर ml रहता है और दूसरी नैनोमोल पर लीटर रहता है। इसमें जो रिलेशन है वो ये है कि 1 नैनोग्राम पर ml इज इक्वल टू 2.5 नैनोमोल पर लीटर। ये आप जब भी अपना टेस्ट करवाते हैं तो ये यूनिट जरूर देखें, सिर्फ नंबर देख के आप आइडिया न लगाएं। जैसे मान लो आपने देखा कि आपका 40 नैनोमोल पर लीटर आया है, तो आप नैनोमोल को ध्यान ही रखते हैं, यदि 40 देखते हैं तो आपको लगता है विटामिन डी तो अपना नॉर्मल आया है, लेकिन जब आप 40 को नैनोग्राम पर ml में कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा आपका 16। 16 है जो कि बहुत कम है, इसलिए आप यूनिट जरूर देखें। कुछ गाइडलाइन ये मानते हैं कि यदि आपका विटामिन डी का लेवल मोर देन 20 है, यानी मोर देन 20 है, तो आपका लेवल सफिशियंट है, और 12 से 20 के बीच में है तो आप इनसफिशियंट लेवल है, और 12 से भी कम है तो आप डिफिशियंसी में आ जाते हैं, और यदि आपका लेवल मोर देन 100 चला जाता है तो आपको इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। एक दूसरे गाइडलाइन है यानी एंडोक्राइन सोसाइटी के अनुसार ये है कि आपका मिनिमम लेवल 30 नैनोग्राम पर ml से ज्यादा होना चाहिए। आपका लेवल यदि 30 नैनोग्राम पर ml से ज्यादा है तो आपका लेवल सफिशियंट है, और यदि आपका 21 से 30 के बीच में है तो आप आते हैं इनसफिशियंसी में,
और आपका लेवल यदि 20 से भी कम है तो आप आ जाते हैं डिफिशियंसी में, और यदि आपका लेवल लेस देन 10 है तो आपको मॉडरेट डिफिशियंसी है, और लेस देन 5 है तो आपको सीवियर डिफिशियंसी है। और आपका यदि लेवल 40 से 60 के बीच में आता है, 40 to 60 nanogram per ml, तो आपका ऑप्टिमल लेवल है, और यदि मोर देन 150 यानी 150 से ज्यादा लेवल आता है तो आपको टॉक्सिसिटी हो सकती है। ये क्राइटेरिया है एंडोक्राइन सोसाइटी के अनुसार। डायग्नोसिस करने के बाद में आपको कैसे ट्रीट करना है, विटामिन डी का ट्रीटमेंट हर पेशेंट का अलग अलग रहता है, क्योंकि उसकी एज कितनी है, उसका कलर कैसा है, उसका एक्टिविटी क्या है, इस हिसाब से वो उसकी डोज डिसाइड करना पड़ता है। और चार तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। सबसे पहला रहता है आप नेचुरली सनलाइट लें, दूसरा रहता है जैसे आप डाइट में ले सकते हैं, तीसरा रहता है आपका सप्लीमेंट, और चौथा रहता है अल्ट्रा वायलेट रे लैंप्स रहते हैं जो कि बहुत कम यूज किया जाता है। जो सबसे पहला तरीका है वह है नेचुरल सनलाइट। सनलाइट से आपको विटामिन डी आपका बॉडी में बन जाता है। सनलाइट में आप 10 AM से लेके 3 PM तक कभी भी आप सनलाइट में जा सकते हैं, और मिनिमम आपको 10 मिनट से लेके आधे घंटा तक सनलाइट में रहना रहता है, जिसमें आपके बॉडी का 40% पार्ट एक्सपोज होना चाहिए, जब भी जाके वो सफिशियंट विटामिन डी बना पाता है। जो नेचुरल सनलाइट है वो कुछ लोगों में पर्याप्त विटामिन डी नहीं बना पाती है, क्योंकि कुछ लोग जैसे ओल्डर एज वाले रहते हैं या डार्क स्किन वाले रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन लगाते हैं, या जो ज़्यादातर इंडोर काम करते हैं, या कई बार जैसे विंटर का सीजन है, रेनी सीजन है, तो उन सब कंडीशन में सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल पाती है, तो ऐसी कंडीशन में फिर दूसरे ऑप्शन पे जाना रहता है। दूसरा तरीका है डाइट। डाइट या फूड में आप विटामिन डी ले सकते हैं, जिसमें आप जैसे यदि वेजिटेरियंस हैं तो आप जैसे योगर्ट है, मशरूम है, ये ले सकते हैं, इनमें विटामिन डी टू पाया जाता है, जिसको अर्गो कैल्सिफ्रोल बोलते हैं। एनिमल सोर्स से विटामिन आता है उसको कोले कैल्सिफ्रोल बोलते हैं, और विटामिन डी थ्री बोलते हैं। ये आपके जैसे कोड लीवर ऑयल है, फैटी फिश है, मीट है, एग योग है, इन सब में पाया जाता है। लोग नॉन वेजिटेरियन रहते हैं वो सब ये चीज़ें ले सकते हैं और अपने विटामिन डी को बढ़ा सकते हैं। कुछ फूड्स का फोर्टिफिकेशन किया जाता है, यानी उनमें विटामिन डी मिक्स किया जाता है, जिसको फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। और जैसे मिल्क में विटामिन डी ऐड कर दिया, ब्रेकफास्ट सीरियल्स रहते हैं उनमें ऐड कर दिया, या फ्रूट जूस रहते हैं, ऑरेंज जूस रहता है उनमें ऐड किया, या फिर योगर्ट में विटामिन डी ऐड कर दिया, तो इस तरह से जो फोर्टिफिकेशन किया जाता है फूड का, वो आपके शरीर में विटामिन डी को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। तीसरा मेथड है सप्लीमेंट का। तो विटामिन डी के जो सप्लीमेंट है मार्केट में दो फॉर्म में मिलते हैं, एक रहता है विटामिन डी टू जिसको अर्गो कैल्सिफिरोल बोलते हैं, दूसरा रहता है विटामिन डी थ्री जिसको कोली कैल्सिफिरोल बोलते हैं। तो विटामिन डी थ्री है वो ज़्यादा अच्छे से आपका विटामिन डी लेवल को बढ़ाता है और मेंटेन करके रखता है। मार्केट में विटामिन डी कई फॉर्म में उपलब्ध रहता है, ये जैसे इसके टेबलेट आती है, कैप्सूल आती है, सॉफ्ट जेल कैप्सूल आते हैं, या फिर ये सेचे आते हैं जिसमें ग्रेन्यूल रहते हैं, या फिर इंट्रामस्कुलर IM इंजेक्शन भी आते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये इसके कैप्सूल दिए जाते हैं या सेचे दिए जाते हैं, जिससे उनका विटामिन डी लेवल नॉर्मल हो जाता है। विटामिन डी की जो सप्लीमेंट की डोज है वो डिपेंड करती है आपका विटामिन डी कितना सीवियर है। विटामिन डी सप्लीमेंट आपको दो फॉर्म में दिया जाता है, एक जिसको लोडिंग डोज बोलते हैं और दूसरा मेंटेनेंस डोज बोलते हैं। लोडिंग डोज का मतलब यह है कि आपके शरीर में विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो उस लेवल को बढ़ाने के लिए एक बार शुरू में आपको हाई डोज दी जाती है, जिनको लोडिंग डोज बोलते हैं। दूसरा है कि एक बार आपकी बॉडी में विटामिन डी का लेवल मेंटेन हो गया है, तो उस लेवल को लगातार बनाए रखने के लिए आपको लो डोज में कंटिन्यू विटामिन डी दिया जाता है, जिसको मेंटेनेंस डोज बोलते हैं। यदि आपका विटामिन डी लेस देन 12 nanogram per ml है, तो आपको 50,000 और 60,000, या शॉर्ट में यूं कहें 50K और 60K इंटरनेशनल यूनिट के कैप्सूल या सेचे दिए जाते हैं। ये आपको वीक में एक लेना रहता है और लगातार 6 से 8 वीक तक लेना है। उसके बाद में आपको अपना विटामिन डी टेस्ट करवाना है। यदि ये आपका मोर देन 30 nanogram per ml से ज़्यादा आता है, तो फिर आपको मेंटेनेंस डोज दी जाती है। मेंटेनेंस डोज में आपको 1500 से लेकर 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे दिया जाता है। दूसरी कैटेगरी है यदि आपका विटामिन डी लेवल 12 से 20 नैनोग्राम पर एमएल के बीच में आता है, तो इस वाली कैटेगरी में आपको लोडिंग डोज की जरूरत नहीं है, आपको मेंटेनेंस डोज दी जाती है, और मेंटेनेंस डोज आपको 1500 से लेकर 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे लेना है। यानी जिसका 20 के लगभग है उनको 1500, और जिनका 12 के लगभग है उनको 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे दिया जाता है। यदि आपका विटामिन डी लेवल मोर देन 20 nanogram per ml है, तो इसमें भी आपको सिर्फ मेंटेनेंस डोज दी जाती है, और 800 से 1000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे आपको दिया जाता है।
अब एक दूसरी कैटेगरी रहती है, जैसे कि पेशेंट ओबीज है, जिसको ओल्ड एज है या माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, तो उस केस में आपको 2 से 3 गुना ज़्यादा डोज दी जाती है। तो उस केस में आपके जो डोज रहेगी वो 6,000 इंटरनेशनल यूनिट से लेके 10,000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे आपको दिया जाता है, और ये कंटिन्यू आपको 6 से 8 वीक तक लेना है। उसके बाद में आपका विटामिन डी टेस्ट करवाना है, यदि मोर देन 30 नैनोग्राम पर ml आ जाता है तो फिर आपको मेंटेनेंस डोज दी जाती है। और मेंटेनेंस डोज भी इसमें थोड़ी हाई रहती है, यानी वो 3,000 से लेके 6,000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे दी जाती है। कुछ स्पेशल कंडीशन रहती हैं, जैसे आपको सीवे डिफिशियंसी है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, या फिर ओरल डोज लेने के बाद में भी विटामिन डी नहीं बढ़ रहा है, तो उस केस में आपको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, और वो हाई डोज में दिए जाते हैं। वो 6 मंथ से या साल में 1 या 2 बार दिए जाते हैं, जैसे 300,000 इंटरनेशनल यूनिट, 600,000 इंटरनेशनल यूनिट इस तरह से दिए जाते हैं। कुछ पेशेंट्स को जैसे लिवर डिजीज रहती है, तो उस केस में एल्फा कैल्सीडाइओल का टेबलेट भी दिया जाता है, क्योंकि विटामिन डी को कन्वर्ट होने के लिए लीवर और किडनी दोनों चाहिए, लेकिन जिनका लीवर काम नहीं कर रहा है तो उनको ऐसा वाला विटामिन डी दिया जाता है जिसमें लीवर की जरूरत नहीं रहती है एक्टिव करने के लिए, तो जिसको एल्फा कैल्सी डाइओल बोलते हैं। यदि किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी काम नहीं करी, तो उनको कैल्सी ट्राइओल दिया जाता है। कैल्सी ट्राइओल की टेबलेट 0.25 से लेके 0.5 माइक्रोग्राम डेली के हिसाब से दी जाती है। ये जो सप्लीमेंट्स हैं, जैसे कुछ कंट्री में 50K की डोज में आते हैं, इंडिया में मोस्टली ये 60K की डोज में आते हैं, तो हर कंट्री के हिसाब से इनका थोड़ा वेरिएशन रहता है, लेकिन सारे डोज रहती हैं, उनका काम एक ही रहता है, विटामिन डी के लेवल को मेंटेन रखना। जब भी आप विटामिन डी लेते हैं, तो ये है कि विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो जब भी आप ये लें तो आप फैटी फूड खाएं, जैसे आप एग यो खा रहे हैं या कुछ फिश ले रहे हैं, जो भी आप खाते हैं खाना, जो फैटी फूड लेते हैं उसके साथ में विटामिन डी लें। इससे क्या होएगा, विटामिन डी का जो एब्जॉर्प्शन है वो 30 से लेके 50% ज़्यादा होएगा नॉर्मल, यदि आप बिना फैट के इसको लेते हैं। तो विटामिन डी की जो कमी के सिम्टम आते हैं वो मेनली कैल्शियम की कमी के कारण आते हैं, इसलिए जब भी विटामिन डी का ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उसके साथ में उसको कैल्शियम भी दिया जाता है। और कैल्शियम की जो डोज रहती है वो 1,000 से लेके 1,200 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से दिया जाता है, और ये एलिमेंटल कैल्शियम होना चाहिए। एलिमेंटल कैल्शियम का मतलब ये है कि जैसे आप कैल्शियम की कोई टेबलेट ले रहे हैं तो उसमें फ्री कैल्शियम कितना है, यानी जैसे कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सिट्रेट, कैल्शियम फास्फोट, इस तरह से वो टेबलेट के अंदर आता है। तो जैसे कोई टेबलेट है कैल्शियम कार्बोनेट की, उसमें 1,250 कैल्शियम कार्बोनेट है, तो उसमें फ्री कैल्शियम कितना है वो ज़रूरी है। तो कैल्शियम कार्बोनेट में 40% सबसे ज़्यादा एलिमेंटल कैल्शियम रहता है, तो 1,250 की जो टेबलेट रहती है उसमें 500 मिलीग्राम फ्री कैल्शियम रहता है, यानी एलिमेंटल कैल्शियम रहता है। तो वो 2 टेबलेट आप दिन में ले लेते हैं तो आपका 1,000 मिलीग्राम की डोज पूरी हो जाती है। कैल्शियम का लेवल वैसे विटामिन डी से जल्दी सीरम में नॉर्मल हो जाता है, मोस्टली ये 1 से 2 वीक के अंदर इसका लेवल नॉर्मल हो जाता है। और जब भी ट्रीटमेंट को आपको मॉनिटर करना है तो आप सीरम में और यूरिन में कैल्शियम टेस्ट करवा के देख सकते हैं। यूरिन में आपका कैल्शियम यदि 100 से लेकर 250 मिलीग्राम 24 आवर में आता है, तो इसका मतलब है आपका डोज है वो सही चल रहा है। यदि 100 से कम आता है, इसका मतलब कि आप विटामिन डी की डोज प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, या फिर आपका एब्जॉर्प्शन सही नहीं हो रहा है। यदि यूरिन में 24 आवर कैल्शियम 250 मिलीग्राम से ज़्यादा आता है, इसका मतलब आपको टॉक्सिसिटी हो सकती है। विटामिन डी की टॉक्सिसिटी यूजुअली होती नहीं है। गाइडलाइंस के अनुसार यदि बच्चे या एडल्ट डेली 4,000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे लेते हैं तो भी उनमें विटामिन डी की टॉक्सिसिटी नहीं होती है। एडल्ट्स रोज 10,000 इंटरनेशनल यूनिट डेली लेते हैं और कंटिन्यू 5 महीने तक लेते हैं तो भी उनमें टॉक्सिसिटी के साइन नहीं मिलते हैं। और यदि विटामिन डी की टॉक्सिसिटी होती है तो उसके जो सिम्टम्स आते हैं वो हाइपर कैल्शियम के कारण आते हैं, यानी बॉडी में कैल्शियम ज्यादा होने के कारण आते हैं। टॉक्सिसिटी को पता करने के लिए जैसे ही आप सीरम और यूरिन में अपना कैल्शियम करवाएं, विटामिन डी करवाएं, यदि आपका विटामिन डी का लेवल मोर देन 150 नैनोग्राम पर ml आ रहा है, सीरम में कैल्शियम आपका 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आ रहा है, और 24 आवर यूरिन में कैल्शियम 250 मिलीग्राम से ज़्यादा आ रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि ये टॉक्सिसिटी के साइन है। विटामिन डी की टॉक्सिसिटी के आपके शरीर में जो लक्षण आते हैं उसमें जैसे आपको बार बार जी मचलाना है, नोजिया है, वोमिटिंग है, पेट में दर्द होना है, बार बार प्यास लगना, ज़्यादा यूरिन आना, किडनी के स्टोन बढ़ने की रिस्क भी बढ़ सकती है, बॉडी में जगह जगह कैल्सिफिकेशन हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले आपको विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट पूरी तरह से बंद करना है,
प्रॉपर हाइड्रेशन रखना है। एंटीबायोटिक और हाइड्रोकोर्टिसोन मेडिसिन दी जाती हैं जिससे कि आपके सिम्टम में रिलीफ मिले। ये सब विटामिन डी के बारे में था। आपको कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फायदा मिले। थैंक्स।